मुझ रुको भैया भैया जो भी इस मुखौटे को नहीं पहनेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। रुक जाओ दाऊ, दंड का पहला प्रार्थी हो रहा अपनी मृत्यु से पूर्व मैं एक पुण्य काम करना चाहता हूं। नहीं दाऊ, महादेव ये फिर कभी ना आ पाए। जरासंध अपने प्रतिशोध में सही और गलत के बीच का अंतर भूल गया है। दाऊ वो किसी भी स्तर तक अपने साम दाम दंड भेद का हट पूरा करना चाहता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है? चोर है देवकीनंदन, आपके महल में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा था। नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं श्री कृष्ण, मैं तो एक असहाय जीव हूं जो आपसे आपकी मदद मांगने आया था। उठो, कौन हो तुम, कैसी सहायता चाहिए तुम्हें मुझसे? परमार नाम है मेरा, महाराज विक्रम के अवंती राज्य का एक किसान हूं मैं। हमारे महाराज विक्रम के सेनापति यक्षी हमारी समस्या है श्री कृष्ण, वो एक दुष्ट राक्षस है, लोगों को मारता है, पीटता है, हमारे खेतों से हमारे अनाज ले लेता है। उसे नहीं रोका गया तो हम गरीबों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण सहायता करें हमारी, श्री कृष्ण बचा लो उस दुष्ट से हमें। काना, ये यक्षी कोई मायावी सुनाई देता है और मायावी दुष्ट सृष्टि के लिए नुकसानदायक है, तो चलो मुक्ति दे देते इस यक्षी नाम की दुष्ट आत्मा को। भूखे प्यासे लगते हो, भोजन के साथ विश्राम करना चाहोगे? और खाओगे बंदू? ये कैसा खेल प्रभु, आप नहीं दिया और आप छीन रहे हो। प्रयास कर रहा था परमार, देख रहा था कि जो चीज तुम्हें मिली है तुम उसकी स्वयं रक्षा कर पाते हो या नहीं। मनुष्य को अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है परमार, और सबसे आवश्यक बात हर व्यक्ति सक्षम है अपनी रक्षा हेतु, तुम भी हो। अपनी शक्ति को जागृत करो जैसा तुमने अभी ही किया अपनी खीर के लिए, और जाओ उस यक्षी से लड़ो। आपने मार्ग दिखा दिया प्रभु, आप धन्य हैं। जय श्री कृष्ण। काना, तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, परंतु क्या ये उस यक्षी से लड़ने के लिए सक्षम भी है? हल चलाने वाला किसान क्या यक्षी जैसे शैतान का सामना कर पाएगा? हल तो आप भी चलाते हैं दाऊ, पर मार्ग को प्रयास तो करने दीजिए दाऊ, प्रयास स्वयं ही मार्ग खोल देता है। पर काना, मैं अभी भी तुम्हारे बात से सहमत नहीं हूं।
हमें एक बार अवश्य जाके देखना चाहिए। विराट पसंद नहीं है यक्षी को। स्मरण रहे, तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना हमारी आज्ञा और इच्छा से होगा। जब जब तुम विरोध करोगे मैं तुम्हें जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। यक्षी के साथ खेल वरुण देव, आप वायु रोक सकते हैं लेकिन यक्षी के हाथों को नहीं। महल में ले चलो, इसकी मृत्यु राजा विक्रम के सामने होगी। ले चलो इसको। जब राज्य का सेनापति ही ऐसा कर रहा तो वहां का राजा क्या कर रहा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र महाराज विक्रम के महल जाना चाहिए। अपराधी को पेश किया जाए। महाराज, इसका अपराध देशद्रोह है। जिस फसल का आधा हिस्सा इसे राज्य कोष में देना चाहिए था, उस फसल की सही उपज ना बताकर इसने राज्य के साथ कर चोरी की है। और महाराज, इसने राज्य और आपके खिलाफ लोगों को उत्साहित करने का प्रयत्न किया है। यह उस किसान परमार के पदचिन्हों पर चल रहा है। महाराज, यह देशद्रोही है और देशद्रोह का दंड हम सबको ज्ञात है। महाराज, आप आज्ञा दें। आपकी इच्छा हमारी आज्ञा है यक्षी। जैसी करनी वैसी भरनी। इसने मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है महाराज, इसलिए आज से इसके सारे खेत राज्य की संपत्ति घोषित किए जाते हैं। और महाराज के खिलाफ लोगों को उत्साहित करने के लिए इसे 100 करोड़ों का दंड दिया जाता है। क्षमा महाराज, क्षमा, यह अन्याय है। इस व्यक्ति को तो अपना पक्ष रखने ही नहीं दिया। अपराध भी एक ही व्यक्ति ने सुनिश्चित किया और दंड भी उसी ने घोषित कर दिया। क्या इसे कहते हैं अन्याय? महाराज, मैं आपसे पूछता हूं, महाराज के पूज्य सिंहासन पर बैठकर ये न्याय आपको उचित लगता है? क्या ऐसे निर्णय से आपकी प्रजा खुश है? प्रजा की सेवा ही धर्म है महाराज, और वही न्याय भी। तुम होते कौन हो हमारी सभा में आकर हमारे महाराज और हमारी नीतियों के खिलाफ बोलने वाले?
हम कुरु राज्य के निवासी हैं महाराज। हमारे राज्य में संन्यास संगत होता है और हमारे महाराज सिर्फ एक की नहीं सबकी सुनते हैं। हमारे महाराज के विरुद्ध ऐसे शब्द, सिपाहियों बंदी बनाओ उसे। उस यक्षी ने हमें यहां बंदी बना लिया है और तुम शांत हो, सोच क्या रहे हो काना? सब कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूं। बंदी बनकर यहां आना तो था ही, किसी को हमारे सहायता की आवश्यकता है दाऊ? प्रभु, प्रभु मैंने प्रयास किया प्रभु, बहुत प्रयास किया, पर विफल रहा मेरा प्रयास। तुमने प्रयास किया पर प्रयास कभी विफल नहीं होता। तुम्हारे प्रयास के कारण ही हम यहां आए हैं तुम्हारी सहायता के लिए। परंतु मैं एक कहानी जानना चाहता हूं, तुम्हारी और राजकुमारी इंदुमती की कहानी है ना? एक कहानी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। पर एक किसान और राजकुमारी का रिश्ता पसंद नहीं आया समाज को। वो शैतान यक्षी विवाह करना चाहता है राजकुमारी से उनके इच्छा के विरुद्ध। षड्यंत्र है यक्षी का महाराज के गद्दी पर बैठने का। वो महाराज को भी मार देना चाहता है और स्वयं इंदुमती को भी। मेरा आपसे यक्षी को दंड देने की सहायता मांगना मेरा प्रेम नहीं था प्रभु। मैं तो यक्षी के आतंक से एक समाज को बचाना चाहता हूँ। जो सबके लिए सोचे वही सच्चा मानव है और सच का साथ सदैव देना चाहिए। तुम सच्चे मानव हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य मिलेगा। और वो दुष्ट यक्षी, उसका क्या करना है काना? जल्दी जल्दी में बनते काम बिगड़ जाते हैं तब। एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, बुराई को जड़ से काटते चलते हैं। रुको, सेनापति तक मेरी एक बात पहुंचाओगे? हाँ। अपने सेनापति से जाके कहो हमारे पास 1000 सोने के सिक्के हैं, हम उनसे अनाज खरीदना चाहेंगे। सेनापति यक्षी आपसे मिलना चाहते हैं। सहायता के लिए धन्यवाद। दाऊ, अब आपको पता है क्या करना है। चलो। डर मत परमार, अब शुरू होगा आनंद।
समय बहुत कम है, एक प्रश्न एक उत्तर। परमार से प्रेम करती हो? तो चलो मेरे साथ। प्रभु आ गए। इंदुमति, बहुत कष्ट दिए हैं उसी आक्षी ने तुम्हें। अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, किसी भी तरह जिएंगे, परंतु यहां लौटकर नहीं आएंगे। आज्ञा दीजिए प्रभु। मुझसे तो आज्ञा ले लोगे, परंतु उससे पूर्व अपनी आत्मा से तो आज्ञा ले लो। पूछो अपनी आत्मा से कि क्या करना चाहिए तुम्हें। अपने प्रेम के साथ कहीं दूर जाकर मनोवांछित जीवन जीना चाहोगे, या इस राज्य में यक्षी के अत्याचारों से पीड़ित अपने भाइयों की, अपनों की रक्षा करना चाहोगे? क्या उचित होगा परमार? यहां से पलायन, या इस राज्य को यक्षी के आतंक से मुक्ति? क्षमा कीजिए प्रभु, स्वार्थी हो गया था मैं कुछ पल के लिए, अब यहां से पलायन नहीं होगा, इस राज्य को मिलेगी मुक्ति। एक और प्रयास आरंभ होगा प्रभु, नई शक्ति के साथ यक्षी की समाप्ति होकर रहेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काना, अब हमारे लिए यहां क्या बचा है? हम घर चले? नहीं दाऊ, अभी एक और कार्य बचा है। महाराज विक्रम। महाराज विक्रम अपने सुदबुद्ध में नहीं थे दाऊ, कुछ है जो उनके शरीर, उनके मन को अपने वश में रखता है दाऊ। इंदुमती को ढूंढते समय मैंने जो देखा था वो कोई माया ही थी दाऊ। जब तक जीवित हो तब तक मेरे वश में हो विक्रम, अगर जीना है तो खाना पड़ेगा, और तुम्हारे भोजन में हमेशा रहेगा ये वशीकरण। महाराज विक्रम का भोजन ही उनका शत्रु बना बैठा है दाऊ। यदि वशीकरण से मुक्ति चाहिए तो महाराज को उस भोजन से मुक्त करना पड़ेगा दाऊ। हमें बस इतना ही करना है दाऊ, बाकी सब परमार और इंदुमती संभाल लेंगे। कहा था तुमने, कहां से आए हो? कुरु राज्य। तुम्हारे राज्य में ऐसा होता है, तुम्हारे राज्य में वैसा होता है। अब मैं दिखाऊंगा कि मेरे राज्य में कैसा होता है। आज अभी भरी सभा में इस परमार का सर धड़ से अलग करके ha 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 ha